नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छी हेल्थ पे होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होंगे लाइक लॉकडाउन के बाद। सो नाउ इट्स अबाउट द वेरी 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 डिमांडिंग टॉपिक। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। मैं जर्मनी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, यूरोप अराउंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ आप लोगों को जर्मनी से रिलेटेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है, जैसा कि आपने टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ की एजुकेशन है, जर्मनी की एजुकेशन है, जो बोलते हैं कि फ्री है, तो एक्चुअली इट इज़ फ्री। द सेकेंड थिंग इज़, जो इसी में मैं आपसे बात करूँगी, कि स्टूडेंट को ईयरली या मंथली यहाँ पर एवरेज कितना खर्चा होता है। एंड द थर्ड थिंग अबाउट द स्कॉलरशिप। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा, और या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको डिसाइड करने में इजी होगा कि आपको एजुकेशन कहाँ से करनी है, लाइक मास्टर्स और बैचलर्स व्हाटएवर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो जर्मनी है वो टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक है स्टूडेंट्स के लिए टू ऑप्ट अ काइंड ऑफ डिग्रीज व्हाट दे वांट, बिकॉज यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरिटिकल बेस्ड नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर लोग अगर कोई एजुकेशन करते हैं तो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड ऑन या उन्हें उस चीज़ का पैशन है, उसी से रिलेटेड करते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कंट्री। आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड दिस पॉइंट टू यू, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Now about, I will divide into public university and private university. The same funda like government versus private. If you are going to public university, तो सबसे पहले जो students हैं उन्हें ऐसे misconception होता है, या like सबको ऐसे misconception होता है जब हम videos देखते हैं, article देखते हैं, no fees, zero fees का मतलब आपको कुछ भी नहीं pay करना है, like आप सीधे मुँह उठा के चले जाओ, but एग्जैक्टली इट इज और इट इज़ नॉट, तो वही मैं आपको जवाब दूंगी। तो अब मैं सबसे पहले बोलती हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अब स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ट्यूशन फीस। तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस होती है वो होती है ज़ीरो। लाइक या इट्स वेरी पॉजिटिव थिंग कि जो ट्यूशन फीस होती है वो ज़ीरो होती है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अब हमें से इसके बाद कुछ भी नहीं पे करना होता? नहीं, आपको पे करना होगा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, जो कि कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का, लाइक स्टूडेंट यूनियन का, या फिर हम बोल सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि होता है सेमेस्टर कॉस्ट, जो वेरी करता है फ्रॉम 150 यूरो टू 350 यूरो, लाइक मैक्सिमम 350 यूरो होता है। और ये आपको एट द टाइम, लाइक जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले पे करना पड़ता है। तो हम एवरेज मान लो 200 यूरो। अब आपके जितने सेमेस्टर आप ऑप्ट करने वाले हो उतना देख लो, 200 यूरो के हिसाब से आपका इतना पैसा खर्च होगा, जो कि बहुत ही मिनिमल है अगर हम इंडिया की एजुकेशन या बैचलर या मास्टर्स डिग्री से कंपेयर करें तो बहुत ही मिनिमल है। अब मैं एक एक्सेप्शन केस आपको यहाँ का बताऊंगी अबाउट द स्टेट वाडेन-वुर्टेम्बर्ग, जहाँ मैं रह रही हूँ। वाडेन-वुर्टेम्बर्ग में 2017 से फीस स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो वेरी करती है फ्रॉम 1300 यूरो टू 3000 यूरो, या दैट्स इट। बट यहाँ पर ट्यूशन फीस मैंडेटरी कर दी है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फॉर सम रीज़न। बट अदर देन दिस स्टेट, एनीवेयर इन जर्मनी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है वो ज़ीरो है, और जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करेगा 150 यूरो टू 200 यूरो। नाउ अभी हमने बात कर ली अबाउट द फीस, कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना पैसा खर्च
करना पड़ेगा, लाइक एक माइंड में आपको क्लियर चीज आ गई। अब हमारा जो दूसरी चीज होती है दैट इज अबाउट कि कितना खर्चा होता है, लाइक ईयरली या मंथली हाउ मच स्टूडेंट नीड टू स्पेंड, क्योंकि वो यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो दे नीड टू स्पेंड समथिंग। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्ट्रक्चर अमाउंट जो है, एवरेज अमाउंट जो है वो बना रखा है कि दिस इज द अमाउंट जो स्टूडेंट्स का खर्चा होता ही है, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारा रिसर्च एंड जो भी एवरेज स्टूडेंट का खर्चा होता है उसके बेसिस पर देर इज अमाउंट विच यू नीड टू ब्लॉक। जब भी आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपको वो अमाउंट ब्लॉक करवाना पड़ेगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है वो चेक करना है तो ऊपर वीडियो फ्लैश कर रहा होगा, वो देखना। तो जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करोगे ये अमाउंट जो है वो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है ये आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, जो अमाउंट है वो है 10,236 यूरोस ईयरली। ये ईयर अमाउंट है जो आपका खर्चा होगा, जिसमें जो है इंश्योरेंस कॉस्ट, जनरल जो भी कॉस्ट होंगे और आपके जो भी रेंट वगैरह होंगे सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो अराउंड 853 यूरोज आएगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का खर्चा है इससे ज़्यादा नहीं होता फॉर मैक्सिमम सिटीज, लाइक यू मस्ट बी नोइंग कि जो म्यूनिक है वो सबसे ज़्यादा महंगी एक्सपेंसिव सिटी है। तो म्यूनिक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी यहाँ की। तो म्यूनिक का जो एवरेज खर्चा है पर ईयर का वो अराउंड 12,000 यूरोज है, बट अदर देन दैट जितनी भी सिटीज़ हैं उसका है वही 10,236 यूरो। इस पर्टिकुलर अमाउंट में सारी चीज़ कवर हो जाती है, आपका रेंट, इंश्योरेंस, जनरल कॉस्ट, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज अबाउट द कितना आपका खर्चा होगा। अब जो DAAD है जो उन्होंने बताया हुआ है कि इतना इतना तो खर्चा हो गई, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको बता दूंगी, लाइक 168 यूरो फॉर फूड, 42 यूरो फॉर योर क्लोथ्स एंड ऑल अदर थिंग फॉर योर लेजर एक्टिविटीज। तो उन्होंने लाइक एवरेज स्टूडेंट्स रिसर्च किया और एवरेज स्टूडेंट्स का कितना खर्चा होता है वो पर्टिकुलरली एक आर्टिकल में डाला हुआ है, तो वो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आपको पता चल जाएगा। Now the thing which I wanted to tell you about the private university. अब private university का जो भी fees होता है, जो भी structure होता है, जो भी tuition fees होती है वो entirely उन पर ही depend करती है, और जब वो change करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि यहाँ पर जो engineering और MBA courses होते हैं वो सबसे ज़्यादा expensive courses होते हैं, और उसकी फीस जो होती है वो अप टू 30,000 यूरोज होती है मास्टर्स के लिए, या दैट्स 30,000 यूरोज ईयरली। तो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट लाइक उसके खुद के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इफ यू वांट टू ऑप्ट एनी पर्टिकुलर कोर्स एंड विथ सो मच रिसर्च एंड ऑल। तो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं जो लोग प्रेफर भी करते हैं आने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आई हैव सीन फ्रॉम इंडिया जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई भी मास्टर्स कोर्स या बैचलर्स कोर्स के लिए जाते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स अगेन डिपेंड ऑन कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका बजट कितना है। तो ये तो हो गई पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात। नाउ अबाउट स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए अबाउट स्कॉलरशिप की, ऑप्ट कैसे करना है स्कॉलरशिप। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मे बी आई विल क्रिएट वीडियो अबाउट दिस टॉपिक मे बी लेटर, बट मैं आपको ये बता देती हूँ जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो पार्शली होती हैं, मेरिट बेस्ड होती हैं और फुली होती हैं। ये गवर्नमेंट एजेंसी प्लस नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू होती है, उसके भी मैं आपको डिटेल्स स्क्रीनशॉट के थ्रू लिख देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। एंड आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा अबाउट कि यहाँ अगर आप बैचलर या मास्टर्स कोर्स के लिए करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना खर्चा आएगा, प्लस द ईयरली आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो आप उसके बेसिस पर आप अपना जो भी डेस्टिनेशन है स्टडीज़ के लिए वो चूज़ कर सकते हो, और मैं मतलब
I'm happy to tell you about this particular topic and video कैसा लगा जरूर बताना और like करना मत भूलना, subscribe करना मत भूलना and आपके जितने भी friends family हैं जो बाहर education करना चाहते हैं, bachelor या masters करना चाहते हैं, उनसे share करना मत भूलना. Till next time, bye bye, take care. जाने से पहले subscribe बटन जरूर दबा देना. सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है. इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना. वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया. और हाँ, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा. तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस.